इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से हुआ। राज्य बंटवारा के अधिनियम की धारा 49/6 के अनुसार, जिसमें एक बिंदु दोनों राज्यों के पेंशनरों को आर्थिक भुगतान करने में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है। अधिनियम में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि यह कब तक प्रभावशील रहेगा। 23 वर्ष हो गए हैं, परंतु यह धारा पेंशनरों के लिए अब कष्टदायक हो गई है। सहमति के अभाव में 6वें और 7वें वेतनमान, जो क्रमशः 2006 और 2016 से लागू है, इसका पेंशन एरियर क्रमशः 32 माह और 27 माह का मिलना शेष है। केंद्र के बराबर महंगाई राहत नहीं मिल रही है। केंद्र का पेंशनर जनवरी 23 से 42% राहत पा रहा है, जबकि राज्य का पेंशनर 33% पा रहा है। चिकित्सा सुविधा हेतु बीमा योजना निःशुल्क, औषधि प्रदाय योजना ठंडे बस्ते में कैद है। लगातार अनुनय विनय के बाद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है। वृद्ध पेंशनर मृत्यु के कगार पर है। इससे प्रताड़ित होकर मध्य प्रदेश के पेंशनर संगठन राष्ट्रीय पेंशनर्स महासंघ के निर्देशन में 27 एवं 28 मई को गंभीर चिंतन कर चुनाव पूर्व आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के प्रांताध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे के संयोजकत्व एवं अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष CH सुरेश केरल की अध्यक्षता तथा मध्य प्रदेश शासन के पूर्व सचिव हीरा लाल त्रिवेदी वरिष्ठ IAS के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सम्मेलन में पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल DB नायर, मध्य प्रदेश पेंशनर समाज जबलपुर DP दुबे, भारत पेंशनर समाज हरिप्रकाश गोस्वामी, छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन रायपुर नामदेव एवं DP मनहर सहित 300 पेंशनर प्रतिनिधि रामलखन तिवारी शहडोल, राधे श्याम पाटीदार खरगोन, आशुतोष तिवारी रीवा, नरेंद्र भार्गव भोपाल, RK शुक्ला इंदौर, मीडिया प्रभारी सागर हरदा आदि के नेतृत्व में शामिल होंगे। सम्मानजनक निर्णय के अभाव में आम चुनाव के पूर्व भोपाल में जेल भरो आंदोलन पर वृद्ध पेंशनर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सम्मेलन में हरिप्रकाश गोस्वामी, हेतराज सिंह, रामानुज पांडे, राजेश दीक्षित, हीरालाल पांडे, चूड़ामणि सिंह, राजकुमार गर्ग 26 मई को महाकौशल से ग्वालियर निकल गए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।